हेलो फ्रेंड्स, टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से यहाँ पे नहीं थी, तो पहले तो मैं चली गई थी राजस्थान और उसके बाद फिर अपने घर चली गई थी। तो मैंने इसके पहले वीडियो भी डाला है कि क्यों गई थी। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने प्लांट्स शेयर करती हूँ कि मेरे प्लांट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ अर्डेनियम से कि मेरे अर्डेनियम अभी कैसे हैं, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग और प्रूनिंग की थी और लगभग सभी प्लांट्स की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर दी थी। और कुछ प्लांट्स को तो मैं लगा कर ही गई थी, रिपोर्टिंग कर गई थी, तो उनकी वीडियो भी मैं शेयर नहीं कर पाई थी। और मेरे पास उसकी वीडियो भी बनी ही रह गई लेकिन शेयर नहीं कर पाई थी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख रहे होंगे कि ये एक छोटा सा प्लांट है और ये ग्राफ्टेड है, लेकिन ये ग्राफ्टिंग मैं पिछले साल ही की थी। और देख रहे होंगे कि इसमें कितना सुंदर प्यारा सा फ्लावर्स खिला हुआ है। और इसका जो मदर प्लांट था वो ख़राब हो गया था, लेकिन ये ग्राफ्टिंग बच गई है। तो इसलिए हमें ग्राफ्टिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि अर्डेनियम्स का कभी कभी होता है कि कब ख़राब हो जाए पता नहीं चलता है, किस कारण से ख़राब हो जाएंगे, कैसे रॉटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, ग्राफ्टिंग करने के कारण मेरे पास ये प्लांट बच गया। और ये एक छोटा सा प्लांट था, उसी पे मैं ग्राफ्टिंग कर दी थी, बहुत ही छोटा था उसमें। और ग्राफ्टिंग ये देख रहे होंगे कि यहाँ से ग्राफ्टिंग है। तो चलिए और भी प्लांट्स से मिलाती हूँ। तो यहाँ देख रहे होंगे इन सब की मैं रिपोर्टिंग और प्रूनिंग की थी। तो इनकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग मैं एक साथ की थी। और ये देख रहे होंगे कि इनमें फ्लावर्स भी निकल रहे हैं, कलियाँ बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है, देख रहे होंगे। तो इस तरह से कलियाँ बनी हुई है, सभी प्लांट में मेरे ख्याल से कलियाँ बन रही होगी, कुछ में छोटे छोटे होंगे, दिख नहीं रहे होंगे। तो और दिखाती हूँ। तो इसकी तो मैं सबसे पहले प्रूनिंग की थी, उसके बाद रिपोर्टिंग की थी। और रिपोर्टिंग का वीडियो भी मैं सोची थी शेयर कर दूँगी लेकिन कर नहीं पाई थी। फिर अब बहुत ज़्यादा दिन हो गए, तो देख रहे होंगे कि इनमें तो बहुत सारे फ्लावर्स निकल कर आए हुए हैं। तो इसकी पहले मैं प्रूनिंग की थी और उसके बाद रिपोर्टिंग की थी। इसके साथ साथ तीन प्लांट्स थे जिनकी कि मैं पहले प्रूनिंग की थी और फिर रिपोर्टिंग की थी। इसमें अभी फ्लावर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर इधर भी है एक प्लांट, तो इसमें भी अभी कलियाँ दिख नहीं रही है मुझे, हो सकता है निकल ही रही होगी। और ये ग्राफ्टेड मेरा है, ग्राफ्टेड प्लांट है। इन दोनों प्लांट की ग्राफ्टिंग की थी मैं, और मैं ग्राफ्टिंग टेप हटाते हुए वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो देख रहे होंगे कि ग्राफ्टिंग के बाद का इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, हेल्दी ग्रोथ हो गया है। ये देख रहे होंगे दोनों में, और इसमें देख रहे होंगे इसमें तो कलियाँ बन रही है, यहाँ देख रहे होंगे इसमें तो कलियाँ भी बनी हुई हैं और इनमें भी बन रही होगी, छोटी छोटी कलियाँ होगी, हमें नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये हैं दोनों मेरे ग्राफ्टिंग प्लांट। और यहाँ देख रहे होंगे इधर भी फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से सभी में फ्लावरिंग हो रही होगी, निकल रहे होंगे, कुछ में छोटी छोटी कलियाँ होगी, इधर देख रहे होंगे यहाँ पे भी। तो इस तरह से कलियाँ बन रही है। और इधर मैं रिपोर्टिंग के बाद कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डाली हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग के समय तो हम लोग वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद वगैरह डालते ही हम। और मैं DAP के कुछ दाने भी डाले थे, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ी ही डालती हूँ। तो अभी उतनी ज़रूरत भी नहीं है और मैं थी भी नहीं। अगर आप डालना चाहते हैं तो NPK 19 बहुत कम मात्रा में डाल सकते हैं, और इन तीनों को एक फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ। तो इस तरह से देख रहे होंगे मेरा ये अर्डेनियम का प्लांट है। और अब जब इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर अभी ये बहुत बड़े बड़े लगने लग जाएंगे। और ये है कटिंग से लगाया हुआ, तो इसमें कुछ कुछ कटिंग्स जो है ख़राब हो गया और कुछ तो मेरे ख्याल से लग भी गया है। और ये बटरकप का प्लांट है, तो सुबह इसमें फ्लावरिंग खिली रहती है, अभी तो नहीं है। और ये जरबेरा को भी बहुत तेज़ धूप से बचाना होता है। तो इसमें देख रहे होंगे कि कलियां बन रही है और मैं नहीं थी, तो पानी देने के लिए मैं बोल कर गई थी, तो पानी तो डला जाता था प्लांट में, नहीं तो मेरे प्लांट बचते नहीं। और उधर मैं सूरजमुखी का प्लांट लगा कर गई थी, इधर भी लगा हुआ है कुछ कुछ सीडलिंग्स मेरे पास खुद थे। और इधर देख रहे होंगे कि ये विनका, इसमें दो तरह के विनका हैं, पिंक वाइट और ये हाइब्रिड, ये देख रहे होंगे। और इसका कलर इससे थोड़ा सा लाइट है, इस तरह से है विनका। और इधर इसमें मैं DIY पॉट बनाई थी पिछले साल ही, और ये मॉस रोज लगाई थी। तो देख रहे होंगे कि ये मॉस रोज का ग्रोथ
दशमी का प्लांट और इधर ये आंवला, इधर ये करी पत्ता। मैं इसको प्रूनिंग करने वाली थी लेकिन की नहीं, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब करूंगी प्रूनिंग नीचे से तो फिर ये लेट हो जाएगा। और इसी में बहुत सारे सीडलिंग्स थे तो मैं कुछ कुछ लगाई थी और कुछ कुछ अभी बचे हुए हैं। और ये तुलसी जी का प्लांट और ये कटिंग से लगा हुआ गेंदे का प्लांट, इधर भी इसमें सूरजमुखी लगाई। और इधर ये देख रहे होंगे पिटूनिया, तो पिटूनिया में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। और इधर देख रहे होंगे कि इधर भी पिटूनिया है, अभी फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, देख रहे होंगे कि डेड हेडिंग भी मैंने नहीं किया। तो पिटूनिया को तो अब हटा भी सकते हैं, लेकिन अभी मेरे ये पिटूनिया जो हैं ठीक हैं, तो अभी फ्लावर्स खिलेंगे। अभी मैं नहीं हटा रही हूँ, देख रहे होंगे कि इसमें भी बहुत सारी कलियाँ बनी है, अभी फ्लावर्स खिले हुए हैं और कलियाँ भी बन रही है, तो अभी मैं हटाऊंगी नहीं। ये गरम मसाला का प्लांट, तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ हुई है। एस्प्रेगस फर्ट इधर देख रहे होंगे, ये कितना सुंदर इसकी ग्रोथ हो गई है। अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट, अभी इधर ये ठीक हो गया है, थोड़ा ख़राब हो गया है जेट प्लांट। और ये देख रहे होंगे मॉस रोज में कलियां बन रही है, कलियां बन गई है। बहुत ही गंदा हो गया था मेरा बालकनी, तो फिर मैं आने के बाद पहले सफाई की हूँ, उसके बाद फिर दो दिन हो गए हैं मुझे आए हुए। और इधर सिंगोनियम जो है कोने में पड़ा हुआ है, बोट लिली, तो बोट लिली देखिए ये तो बहुत ही बुशी हो जाता है। इस एक छोटा सा भी आपको कटिंग या इससे बेबी प्लांट्स निकलते हैं तो उससे आप अगर लगा लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे प्लांट्स फिर आपके पास हो जाएंगे। मनी प्लांट ये देख रहे हैं, मनी प्लांट भी बहुत ही बुशी हो गया है। मैं तो सोच रही थी कि प्रूनिंग करूँगी, और ये मैं मनी प्लांट के लिए बनाई थी, तो अभी ये ख़राब हो गया, उखड़ गया है, टूट भी गया है कहीं कहीं से, तो अब मुझे फिर से इसके लिए कुछ और बनाना होगा। और इधर ये स्नेक प्लांट, तो इसमें दो तरह का स्नेक प्लांट लगा हुआ है और इससे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। लिप से भी आप इसको लगा सकते हैं, तो इससे आप चाहे तो बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं रखना इसलिए मैं ज़्यादा तैयार करती ही नहीं हूँ। और ये ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट, तो इसको तो आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में, और इससे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो आप बेबी प्लांट से भी बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये पर्पल हर्ट, तो पर्पल हर्ट आप छोटे छोटे पॉट में आराम से लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और कुछ कुछ प्लांट्स ख़राब भी हुए, जैसे कि ये पंसी है, तो पंसी तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे प्लांट ये ख़राब हो ही जाता है, तो दो थे दोनों ख़राब हो गए। और धीरे धीरे पिटूनिया भी ख़राब होने लग जाते हैं। और कुछ प्लांट्स टेरिस पे भी रखे हुए हैं, तो ये देख रहे होंगे कि इस बिनका में कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। और विस्कस वगैरह है, कनेर की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है, और ये हाइब्रिड विस्कस है तो इसमें भी फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये विनका और अपराजिता वगैरह में भी फ्लावरिंग होने लग गई है, लेकिन आज नहीं खिले हुए हैं, कल खिले हुए थे। और कनेर की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है, इधर बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। और विस्कस पंचमुखी वाला भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इसका भी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।